रानीज किचन। आज मैं आपसे कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाला चिकन तवा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो को लाइक कमेंट करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेके धुल के इसको कपड़े से हमने पोंछ लिया है, इसको ऐड कर लेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 4 से 5 छोटे टुकड़े कटे हुए अदरक के, 2 हरी मिर्च, 2 स्पून भुना हुआ बेसन, ये कुछ पुदीना के पत्ते, ये कुछ पाउडर मसाले, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 स्पून नमक, 1/4 स्पून होममेड गरम मसाला पाउडर, सबको ऐड कर लेंगे। 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। ये गया एक अंडा। अब इसको ढक्कन लगा के हम पीस लेंगे। एक इसको बाउल में हमने ट्रांसफर कर लिया है। इसको आप चाहें तो फ्रिज में आधा से एक घंटा के लिए रख दें, उसके बाद शेप बहुत अच्छा बनेगा, या तुरंत भी बना सकते हैं आप। पैन में 2 स्पून तेल ऐड करेंगे, हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे। जितनी बड़ी साइज का हमको कबाब चाहिए उतनी बड़ी साइज उठा लेंगे, ये हाथों से यूं शेप देंगे और ये गया सीधे पैन के अंदर। सारे कबाब हमने डाल दिए हैं, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गोल्डन करेंगे। बीच में थोड़ा सा पैन को यूं हिला लेंगे। हम चेक कर लेते हैं हमारे कबाब नीचे से गोल्डन हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए गोल्डन होने लगे हैं। ऐसे ही सबको हम पलट लेंगे। अब इस साइड से भी ऐसे ही गोल्डन होने देंगे। कबाब दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपने फोटोज और वीडियोस मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फिर एक और सिंपल टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।